जारी की गई जो लिस्ट है वो आई है सामने। मॉनिटरिंग जो की गई है उसमें कानपुर एक बार फिर से देश में सबसे प्रदूषित पाया गया है। कानपुर में PM2.5 की मात्रा सबसे ज्यादा पाई गई है। CPCB की तरफ से नेहरू नगर क्षेत्र में लगाए गए प्रदूषण मापक यंत्र से ली गई 24 घंटे की रीडिंग का औसत AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 रिकॉर्ड किया गया, जो देश के बाकी प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा है। CPCB की तरफ से जारी सभी शहरों की रीडिंग में गुरुग्राम 360 औसत AQI के साथ दूसरे स्थान पर रहा। कानपुर में AQI बढ़ने की वजह से हवा में नमी का बढ़ना और धुंध होना बताया गया है। एक बार फिर से कानपुर अव्वल स्थान पर आया है, पहले नंबर पर आया है प्रदूषण के मामले में। अब बात करेंगे दिल्ली NCR में प्रदूषण के कहर की। दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण से लोग परेशान हैं। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले राहत जरूर कुछ मिली है, सुधार जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली और पास के इलाके आज भी जहरीली हवा की चपेट में हैं। दिल्ली के कुछ जगहों पर प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है। आज दिल्ली के लोधी रोड इलाके में प्रदूषण का स्तर 599 तक पहुंच गया। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 दर्ज किया गया। वहीं गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर 642 तक पहुंच गया। गाजियाबाद में AQI का लेवल 438 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर 399 रहा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी कल के मुकाबले थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे अच्छी हवा कहा जा सके। दिल्ली में एयर क्वालिटी अब भी सेवियर कैटेगरी में है और हवा जहरीली बनी हुई है। सिर्फ कल के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज सतही हवाओं के चलते दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी आने का अनुमान है। इतना ही नहीं, अगले दो दिन भी दिल्ली NCR की हवा में सुधार आएगा, लेकिन दिल्ली वालों को ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच सकता है। इन सब के बीच दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम शुक्रवार को खत्म हो गया। इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसका फैसला अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार सोमवार को करेगी। हालांकि शुक्रवार को प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे एयर क्वालिटी में सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली में कारों से सिर्फ 3% प्रदूषण होता है। ऐसे में अब देखना है कि दिल्ली के पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए सरकार और अदालत क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।